हेलो डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन मीरा इंग्लिश स्पोकन क्लासेस। आई होप वेयर एवर यू आर हेल्दी, हैप्पी एंड सेफ। टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक टू यू अबाउट सम वर्ड्स विच विल हेल्प यू टू इंक्रीज योर वर्ड पावर एंड यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश वेरी वेल। नाउ सी व्हाट आर दोज वर्ड्स विच कैन हेल्प यू इन स्पीकिंग वेरी वेल। Hello dear friends, today in this video I am telling you about different personalities and their characteristics and that will increase your word power. The video is about certain words about different personalities which will help you in speaking very well. It will increase your word power. In this video, I am talking about different personalities which are categorized with their characteristics. So let us see what are different characteristics of different personalities on which they are categorized. The first one is ascetic. Ascetic is a person who has no pleasure of flesh. Then introvert, whose thoughts are turned inward. इंट्रोवर्ट पर्सन इज़ वेरी रिजर्व, बहुत रिजर्व होता है, अपने में ही मस्त रहता है। देन एक्सट्रोवर्ट टर्न्स थॉट्स आउटवर्ड। एक्सट्रोवर्ट इज़ अ पर्सन हुज थॉट्स आर आउटवर्ड एंड ही इज़ वेरी फ्रेंडली। देन एम्बीवर्ट, एम्बीवर्ट इज़ अ पर्सन हुज थॉट्स आर इनवर्ड एंड आउटवर्ड, बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड थॉट्स। देन एल्ट्रुइस्ट, altruist is a person who thinks of welfare of others. He is unselfish in nature and he wants to do some paropkar. Paropkar ka kaam karta hai wo. Egoist believes in self advancement. Then egotist talks about accomplishments. The next is misanthrope, who hates people. Now let us talk about different personality type in some detail. The first one is ascetic. Ascetic is a person who finds no pleasure of flesh. The monk lives a pure ascetic life. The monk जो साधु होता है वो एक ascetic life जीता है, pure ascetic life. We can say Mother Teresa also lives a pure ascetic life. ये धार्मिक कारणों के कारण अपनी प्योर ascetic लाइफ जीते हैं monk, साधु संत लोग. It is very difficult to live a pure ascetic life. प्योर ascetic लाइफ जीना बहुत मुश्किल काम होता है. Next word is introvert. Introverts is a person who turns his thoughts inward. An introvert person loves to live alone. Introvert person जो होता है वो अकेला रहना पसंद करता है. An introvert person treasures his solitude. Introvert person अपने solitude को, अपने अकेलेपन को बहुत महत्व देता है. Extrovert turns his thoughts outward. वो फ्रेंडली होता है, ग्रुप में ही उसको बहुत अच्छा लगता है ग्रुप में रहना. एन एक्सट्रोवर्ट पर्सन इज़ वेरी फ्रेंडली. एन एक्सट्रोवर्ट पर्सन फील्स मच एनर्जाइज्ड इन ए ग्रुप. जब वो ग्रुप में होता है, अपने फ्रेंड से बातें करता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है, एनर्जी मिलती है और उसे बहुत अच्छा फील होता है. देन एम्बीवर्ट, एम्बीवर्ट इज़ ए पर्सन हुज थॉट्स आर आउटवर्ड एंड इनवर्ड बोथ. एन एम्बीवर्ट पर्सन इज़ अ वियर्ड मिक्स ऑफ एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट. एम्बीवर्ट पर्सन एक वियर्ड मिक्स होता है जो इंट्रोवर्ट का और एक्सट्रोवर्ट का मिक्स है. मोस्ट ऑफ द पीपल आर एम्बीवर्ट इन दिस वर्ल्ड. ज़्यादातर वर्ल्ड के लोग एम्बीवर्ट होते हैं, जिनकी थॉट्स इनवर्ड भी रहती है, आउटवर्ड भी रहती है. फिर है एल्ट्रुइस्ट. एल्ट्रुइस्ट थिंक्स ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल.
Altruist is a person who just thinks for the welfare of the people, जो परोपकार का काम करता है, जो अपने बारे में ना सोच के दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है. एन altruist always works for a cause, not for an applause. Altruist जो होता है वो एक कॉज के लिए, कारण के लिए काम करता है, ना कि अपनी प्रशंसा के लिए. वो ये देखता है कि मैं किस तरह से अपना काम बेहतर करूँ. एन altruist always competes with the self, not with others. Altruist जो है वो अपने से कम्पीट करता है और दूसरों से कम्पीट नहीं करता, क्योंकि उसको दूसरों की भलाई करनी है, इसलिए वो अपने काम में ही इतना बेहतर से बेहतर करना चाहता है. वो अपने से ही कम्पीट करके सोचता है कि इस काम को मैं और बेहतर कैसे कर सकता हूँ. तो एन altruist always competes with the self, not with others. Then egoist. Egoist is a person who believes in self-advancement. अब देखिए इस पिक्चर में क्या है, साइकोलॉजिकल egoism क्या है. We do act in our own self-interest. ये पिक्चर में ये कह रहा है ये लड़का कि हम अपने ही इंटरेस्ट में काम करते हैं. Ethical egoism, we should act in our own self-interest. अपने self-interest में ही ये लोग काम करते हैं, egoist लोग. An egoist person thinks of the self more than others. Egoist person सिर्फ अपने लिए ही काम करता है बजाय कि दूसरों के लिए. An egoist cannot surrender easily. Egoist आराम से surrender नहीं कर सकता. किसी काम को अगर उसको करना है तो वो किसी को त्याग के काम नहीं कर सकता. ही कैन नॉट सरेंडर इजीली. फिर है एगोटिस्ट. एगोटिस्ट टॉक्स अबाउट अकम्प्लिशमेंट्स. एग्जैगरेटेड फॉर्म एगोइज्म की, जहाँ ईगो हो जाता है, अहम होता है किसी का, कि मेरे से बड़ा कोई है ही नहीं. तो एगोटिस्ट शो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स and is not liked by majority of the people. Egotist जो person होता है, क्योंकि वो अपने ही हित के बारे में सोचता है और दूसरों के बारे में नहीं सोचता, इसलिए ज़्यादातर लोग उसे पसंद नहीं करते. Egotist creates miseries for himself as he talks about his own interest. Egotist अपनी miseries का खुद ही एक कारण बनता है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ अपने ही हित के बारे में सोचता है. मिसैंथ्रोप्स हेट्स पीपल. मिसैंथ्रोप इज ए पर्सन हु हेट्स पीपल, हु डज नॉट लाइक पीपल. नोबडी लाइक्स ए मिसैंथ्रोप. मिसैंथ्रोप किसी को पसंद नहीं आते हैं, क्योंकि वो अपने हित के बारे में सोचते हैं, क्योंकि वो दूसरों से नफरत करते हैं. वो गो अवे फ्रॉम मी, उनका एटीट्यूड होता है. मिसैंथ्रोप डज नॉट केयर अबाउट व्हाट ओपिनियंस अदर्स फॉर्म फॉर हिम. मिसैंथ्रोप इस बात की भी परवाह नहीं करते कि दूसरे लोग उनके लिए क्या ओपिनियन रखते हैं, क्या ख्याल रखते हैं, उनके बारे में क्या सोचते हैं. उनको उसकी कोई परवाह नहीं होती, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वो अपने में ही मस्त रहते हैं और लोगों की से दूर भागते हैं. डियर फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो आई हैव टॉक्ड अबाउट डिफरेंट पर्सनैलिटीज एंड देयर टाइप्स अकॉर्डिंग टू देयर करैक्टरिस्टिक्स. आई होप दैट यू विल हैव लाइक दिस वीडियो वेरी मच. आई थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ शेयर इट and subscribe it if you are new to this channel. I would love to see your comments also in the comment box. Please give your comment. Happy English learning. Thank you very much.